हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में लेकर आया हूँ सीजीपीएससी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीजीपीएससी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2015 का ही है, 2015 में ही आया था। तो अगर आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आप कितने बना सकते हैं 10 क्वेश्चन में से। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो इस वीडियो में आपके मिलेंगे 10 क्वेश्चन और 10 में से यदि आप 7 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप सच में पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। यदि आप 7 क्वेश्चन में से कम बना रहे हैं तो आप जरूर अपने साथ कुछ, आपकी पढ़ाई में जरूर कुछ कमी है, तो आप अपनी पढ़ाई और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड मिलेंगे, 3 सेकंड। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बांस गीत कौन गाते हैं मतलब है कौन सी जनजाति बांस गीत गाती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है देवार, बसदेवा, राउत, भाट या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा है अगर आप पढ़ते हैं तो। 3 सेकंड है आपके पास, 1 2 3। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राउत। जी हाँ, राउत। राउत जो जनजाति है, कौन सी गीत गाई जाती है, बांस की। और इसमें से एक क्वेश्चन में आता है पंडवानी, सधौरी गीत, ये सब जनजाति में पूछा जाता है। सधौरी गीत हो गया, पंडवानी हो गया, और कौन ददरिया, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति गाई जाती है। तो आप लोग सब पढ़ लीजिएगा इस गीत के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर था राउत। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडा गांव किस नदी के तट पर स्थित है। कोंडा गांव है इसको जिला कोंडा जिला भी बोलते हैं। तो किस कोंडा जिला में है कोंडा गांव, किस नदी के तट पर स्थित है कोंडा गांव, आपको पता है कोंडा। तो इसको देखिए, नदी में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास, साबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी। तो आपको पता है इंद्रावती नदी बस्तर का जीवन रेखा नदी है, ये बस्तर के तट पे है। साबरी नदी क्या है, जो सुकमा जिला और उड़ीसा के बॉर्डर पे है ये साबरी नदी। तो इसमें से आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी बताइए कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी क्या है, नारंगी नदी है। जी हाँ, नारंगी नदी के तट पर ही कौन सा गांव स्थित है, कोंडा गांव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है। अभी आपको बताया था पंडवानी होती है जो अपनी गायन होती है, जनजाति गाए जाते हैं पंडवानी, सधोरी गीत, बांस गीत, ददरिया, ये कौन किस ग्रंथ पर आधारित है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, श्रीमद्भागवत, बी क्या है रामायण, सी क्या है महाभारत, डी क्या है शिव पुराण, और या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए अगर अब यदि आप जानते हैं तो, आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है महाभारत। जी हाँ दोस्तों, पंडवानी में महाभारत, खास करके भीम, महाभारत के जो मुख्य पात्र है भीम को, भीम के बारे में इसमें बताया जाता है। पंडवानी में यहाँ कौन कौन से प्रसिद्ध है नायक हैं, तो झाड़ू राम देवांगन जो कि पंडवानी के बहुत जाने माने कलाकार हैं, और एक है और क्या नाम है उसके, और याद नाम याद कर लीजिएगा पंडवानी से रिलेटेड क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं तीजन भाई के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए जब आपको पता है हमारे सबसे प्राचीन नगर, प्राचीन क्या है, सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसमें से जो नगर मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तो इसमें से 7 प्रमुख क्या निकले थे, खुदाई हुई थी, 7 प्रमुख नगर निकले थे। तो इसमें से पूछा है कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो पहला है मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी आप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आएगा धौलावीरा में 3 नगरों के क्या प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड आप भी पढ़ लीजिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, और जो हड़प्पा है उसकी खुदाई किसने की थी, और इसमें कितने अवशेष मिले थे, सबसे बड़ा स्नान घर कहाँ पर है, ये सब चीज़ ये इस बार पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे। जी हाँ, शाहजहाँ जो थे उसके उसके जीवन के बारे में एक बुक बनी थी शाहजहाँनामा, उसके लेखक कौन थे, बताइए उसके लेखक कौन थे। ऑप्शन में है गुलबदन, शाहजहाँ,
अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, आपका 3 सेकंड समाप्त। इसका आंसर है डी, इनायत खान। जी हाँ, इसका आंसर है इनायत खान ने किसने शाहजहां नामा की क्या की थी, रचना की थी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है बाबरनामा, बाबरनामा को किसने लिखा था, याद रखना बाबरनामा को स्वयं बाबर ने ही लिखा था। उसके बाद है अकबरनामा, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, अकबरनामा दौलत खां के द्वारा, दौलत खां नहीं, अकबरनामा है अली दौलत खां, ऐसे कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा बाबरनामा के बारे में और ये अकबरनामा के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। देखिए जिला क्या गया, जिला में क्या है, सबसे कम और अंतर्राज्यीय जिला, अंतर्राज्यीय जिला मतलब हमारे जो प्रदेश में 27 जिले हैं उसमें से 27 जिले के बॉर्डर में दूसरे राज्य का, दूसरा राज्य मिला हुआ है, तो सबसे कम कौन सा जिला है जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा कम है। तो चलिए ऑप्शन में क्या है, धमतरी, रायगढ़, जसपुर, राजनांदगांव और इनमें से कोई नहीं। तो जैसे पता होगा राजनांदगांव का सीमा बहुत बड़ा है और बहुत लंबी सीमा है, ठीक है, राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव तो हो नहीं सकते थे, आप बताइए इसमें से। जी हाँ, इसका आंसर है आंसर नंबर ए क्या है, धमतरी। धमतरी का जो बॉर्डर है, अंतर्राज्यीय सीमा, वो सबसे कम है। चलिए देखते हैं इसका मैप, ये देखिए यहाँ पे है धमतरी, कहाँ पे है ये देखिए, ये है धमतरी, इसका यहाँ पे छोटा सा जिला सीमा है, यहाँ से किससे, उड़ीसा से मिला हुआ है। रायगढ़ का देखिए, रायगढ़ राजनांदगांव का बहुत बड़ा है, रायगढ़ का भी इतना बहुत ज़्यादा है, तो अब सबसे छोटी सीमा किसकी है, धमतरी की, ठीक है, तो धमतरी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। देखिए सर्वप्रथम क्या है, स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन है ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। तब इसमें से ये निकालना है आपको कि सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है। जैसे कि हमारे पुराने वेदों में, रचनाओं में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है और पुराण है, तो इसमें से बोला है सबसे पुराना, सबसे प्रथम, तो बताइए, आपके पास 3 सेकंड है। अगर आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं समझने के लिए। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऋग्वेद। क्या है ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है आपको पता है, और ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम किसको, स्तूप के बारे में मिलती है परिमाण मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग है जो योग के संबंधित है, उसका जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, मतलब इसमें से ऑप्शन में अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन है जो अष्टांग योग का अंश नहीं है। आपके पास 3 सेकंड है, यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर है अनुस्मृति। क्या है, अनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अनुस्मृति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप कितना क्वेश्चन टिक लगाएं उसे भी याद रखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। देखो ये पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके जो राइटर है कौन है, लेखक कौन है, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद सिंह, अरविंद घोष है, राधा कृष्णन, भगवान दास या इनमें से कोई नहीं। देखिए फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका आंसर है श्री अरविंद घोष, आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखे हैं लेकिन कुछ दूसरा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किसके अनुसार अद्वैत वेदांत के अनुसार, तो ऑप्शन है ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग और इनमें से कोई नहीं, चलिए बताइए। इसका आंसर है ज्ञान। क्या है ज्ञान, ज्ञान के अनुसार ही क्या मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ऐसा किसमें लिखा है, अद्वैत वेदांत के अनुसार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप देखिए आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। धन्यवाद।